बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनीस कुकिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ इंतहाई आसान और मज़ेदार रोज़मर्रा के घर में इस्तेमाल होने वाले मसालों से तैयार होने वाले टमाटर गोश्त की रेसिपी। ये ऐसी रेसिपी है कि इसे हर खाना पकाने वाली औरत एक दफ़ा तो ज़रूर ही ट्राई करेगी। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं एक पैन में ले लूँगी ऑयल हाफ़ कप, साथ ही इसमें शामिल करेंगे एक अदद बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस करके। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि हम इसमें किसी भी किस्म के साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्याज को अब थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। प्याज जब गोल्डन हो जाएगी तो हमने इसमें शामिल करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन को अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 किलो बीफ बग़ैर हड्डी का। आप मटन से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। गोश्त को अच्छे से भून लेंगे अदरक लहसुन और प्याज के साथ, जब तक कि गोश्त का कलर चेंज होके वाइट ना हो जाए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। गोश्त का कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर। ये 3 से 4 मैंने टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के। अब इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टेबल स्पून, लाल पिसी हुई मिर्च 1.5 टेबल स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। बस ये टोटल मसाले इसमें जाएंगे और अब हम इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए सब मसालों को हम भूनेंगे गोश्त के साथ। 2 से 3 मिनट भुनाई हो गई है, अब मैं इसमें शामिल करूंगी पानी 1.5 ग्लास। पानी में जब उबाल आने लगेगा तो हमने इसका चूल्हा हल्का कर देना है और इसे ढक के हमने पकाना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। 1 घंटा हो चुका है गोश्त को पकते हुए, अब हम चेक करते हैं। तो पानी देखिए काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, टमाटर भी गल चुके हैं और गोश्त भी चेक कर लेते हैं। ये गोश्त भी माशाल्लाह से गल गया है। अब चूल्हे की आंच को तेज़ कर देंगे ताकि इसमें जो भी पानी है वो खुश्क हो जाए, मसाला अच्छे से भुन जाए और तेल अलहदा हो जाए। भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, भुनाई मेन चीज़ होती है हर खाने की। अगर भुनाई अच्छी की जाए तो फिर खाना बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। चमचा आपने इसमें हिलाते रहना है जी। तो ये देखें माशाल्लाह से मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैंने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा हल्का कर दिया है, बस इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर रही हूँ और बस अब इसमें बाकी की चीज़ें हम शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये टमाटर गोश्त, आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार होगा। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो और ही आपको कम टाइम लगेगा इसको बनाने में। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा शोरबे वाला सालन नहीं होता और ना ही बिल्कुल भुना हुआ सालन होता है ये। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, 1/2 ग्लास से भी कम। पानी शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स कर लीजिए आप। थोड़ा सा ये सैला हो गया देखें, ठीक है ना, इसमें शोरबा है और ना ही ये बिल्कुल भुना हुआ है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी गर्म मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, साथ ही इसमें शामिल करूँगी 6 से 7 हरी मिर्चें छोटी वाली और हरा धनिया। हरा धनिया से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आपने हरा धनिया ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसमें शामिल कीजिएगा। बस अब चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का करके इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हरा धनिया हरी मिर्चे का अरोमा अच्छे से आ जाए इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर गोश्त तैयार हो गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी गारंटी है आपने एक दफ़ा ट्राई किया तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो जनाब, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।